मैं SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपके घरों में आपके मम्मी पापा बहुत अच्छे होंगे और आप अपने मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखते होंगे। दोस्तों आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं। ये टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसके बारे में इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज हैं कि आखिर हम बिजनेस स्टार्ट करें तो किस चीजों का ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जो हमें जल्दी ग्रो हो जाए, हमें जल्दी सक्सेस मिले, फेलियर ना हो और अच्छे से हम बिजनेस को कर लें और कम पैसे में भी चालू करना है, हमारे पास ज्यादा बजट भी नहीं है। तो दोस्तों उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों आज आप यदि क्या स्टार्ट करें, आपको टेंशन है, आप इस चीजों में चिंतित हैं कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको हम चालू करें जो कि आज के टाइम के अनुसार से वो बेस्ट होगा और हम अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे, अच्छे से बिजनेस को कर सकेंगे, तो उसी के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो ट्रेनिंग होता है, मोबाइल्स का ट्रेनिंग होता है, लैपटॉप का होता है, सीसीटीवी कैमरा का होता है, इलेक्ट्रिशियन का होता है, मोटर वाइंडिंग पंखा का होता है, स्टेबलाइजर का होता है, मतलब बहुत सारे ट्रेनिंग हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेलेबल है जो कि आप करके अपना रोजगार चालू कर सकते हैं। दोस्तों तो दोस्तों अभी हम आपको एक छोटे से टेक्निक में ले, हम छोटे से वर्ड हम बात करते हैं आपसे, आप अपने से उस वर्ड को सजेस्ट कीजिएगा कि कैसा है। जैसे कि दोस्तों आप अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीजों का बिजनेस चालू करें। दोस्तों दुनिया में बिजनेस बहुत है, इतना प्रकार का बिजनेस है, आप इतना प्रकार का बिजनेस कर सकते हो जो कि आप सोच नहीं सकते हो। दोस्तों सिंपल सा चीज है, आप जिधर आंख घुमा के देखो उधर ही आप बिजनेस कर सकते हो। जिस चीज में आपका आंख चल गया आप उस चीज का बिजनेस कर सकते हो, बस उसका ट्रेनिंग होना चाहिए आपके पास, बस आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए कि उस काम को कैसे किया जाता है, उसका मार्केटिंग कैसे करना है, उसका लोग हमारे तक कैसे पहुंचेंगे, उस टाइप के लोग हमारे हमसे कैसे कनेक्ट होंगे, इन सभी चीज़ों को छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है। और उसके रिगार्डिंग यदि आप बिजनेस को चालू करेंगे तो दोस्तों आपको फेलियर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि दोस्तों हमारे पास जो ज्यादातर बच्चे आते हैं मोबाइल्स रिपेयरिंग का ज्यादातर बच्चे आते हैं। अब रीजन यहाँ पे है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मोबाइल रिपेयरिंग का होते क्यों है, आखिर मोबाइल रिपेयरिंग का इतना शॉप क्यों खुल रहा है और इतना शॉप खुल रहा है तो क्या इतना शॉप चलेगा, बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों में। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर आज के जनरेशन के लोगों को ज्यादा नीड क्या है। सबसे पहले फोकस हमारा कहां पे होना चाहिए कि आज के टाइम के आज के जो नवयुवक है, जो जनरेशन है, उस जनरेशन को क्या चाहिए, क्या जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है क्या। तो दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग में स्टूडेंट ज्यादा इसलिए होते हैं, सबसे पहला बात कि उसमें मोबाइल रिपेयरिंग में कम पैसे लगाने से ट्रेनिंग मिल जाता है, कम पैसे खर्च करने से उसका बिजनेस को उसका दुकान दे सकते हैं, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग के लिए बड़ा दुकान का जरूरत नहीं होता है, छोटा मोटा दुकान होता है, छोटा मोटा काउंटर लगता है, पता होना चाहिए छोटा दुकान है तो उसका डेकोरेशन में भी खर्च कम होगा, मिनिमम खर्च में हो जाता है, उसमें सामान भी कम लाना पड़ता है, मशीनें भी कम लेना पड़ता है, मतलब कुल मिलाकर के सोचा जाए तो मोबाइल रिपेयरिंग एक ऐसा फील्ड है जो कि कम से कम पैसे इन्वेस्ट करके और आप अपना बिजनेस को चला सकते हो। पहली बात कि आप अपने बिजनेस को मोबाइल रिपेयरिंग में कम पैसे खर्च करके स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी बात, मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप चाहे मार्केट में आपको मिल रहा है रूम तो वहां भी कर सकते हो, आप गांव में मिल रहा है रूम तो वहां भी कर सकते हो, आपका मार्केट में भी इसका दुकान चलता है, गांव में भी इसका दुकान चलता है, क्योंकि जहां इंसान हो वही मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप चलता है। मतलब इसमें दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया दोस्तों कि मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप चालू करने में कम पैसे खर्च करने से हो जाता है, छोटा रूम भी होगा तो चलेगा, प्लस में गांव या शहर जहां भी हो वहां स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि मोबाइल रिपेयरिंग
का दुकान बहुत ज्यादा खुल चुका है, तो क्या हम शॉप देंगे तो चलेगा? तो इसका भी क्लियर हम करते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप कितनों ही खुले उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना शॉप खुल रहा है ना दोस्तों, उतना सेल भी लोग खरीद रहा है, उतना इसका डिमांड भी बढ़ रहा है। इतना मोबाइल रिपेयर आज हो रहा है कि अभी मिस्त्री का कमी पड़ गया है, मार्केट में मिस्त्री का कमी पड़ गया है। मैकेनिकल जो मोबाइल इंजीनियर है दुकान में दे करके हम परेशान हो गए, मेरे पास उतना बच्चे नहीं है जितना रिक्वायरमेंट है। आप सोचिए, आप हर गली में जाओगे तो वहां मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी इतना मोबाइल रिपेयरिंग स्टूडेंट का मांग है कि हमारे पास उतना बच्चे नहीं है जितना रिक्वायरमेंट है जॉब का। क्योंकि जितना दुकान है दोस्तों, हर एक दुकान में 3-4 बच्चे का जरूरत है, एक बच्चे से हैंडल नहीं हो रहा है, इतना भीड़ रहता है। क्योंकि आप जानते हैं मोबाइल एक ऐसा चीज है जिसके बिना ना बच्चा रह सकता है, ना नवयुवक रह सकता है, ना बूढ़ा रह सकता है। सुबह रात में जब सोता है ना तो फोन को देख करके सोता है, जैसे आंख खोलता है ना, पहले के लोग बोलता था जय श्री राम सीताराम सीताराम, आज के लोग मोबाइल देखते हुए उठता है। जैसे मोबाइल देखता है वैसे उसका फेसबुक ऑन होता है, व्हाट्सएप ऑन होता है कि हमारा स्टेटस कितने लोगों ने देखा। मतलब आज के जनरेशन में सभी का नीड हो गया है, जरूरत हो गया है मोबाइल। बच्चे को मम्मी दूध पिलाती है ना तो उसको मोबाइल चाहिए, बिना मोबाइल का बच्चा दूध भी नहीं पीता है। बूढ़े लोगों को बेटा बेटी से बात करने का शौक चढ़ गया, बिना फोन का वो रहता नहीं, सुबह शाम हेलो हेलो करके अपना जिंदगी को काट रहा है। मतलब घुमा फिरा के बोलो तो सब फंसा हुआ मोबाइल में। अभी हम वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो दोस्तों मोबाइल से कर रहे हैं। मेरा मोबाइल खराब हो जाएगा तो हम सब कुछ के लिए कंप्रोमाइज कर सकते हैं, अपने फोन के लिए कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। यदि आप जिस मोबाइल से भी वीडियो देख रहे हो ना, उस मोबाइल खराब हो जाएगा ना, कसम खुदा का दोस्तों, कहां से पैसा तो ले आओगे ना, पहले जाके उस फोन को बनाओगे। तो यदि आपके साथ ये समस्या है ना, तो आपके सामने वाला बंदा जो है ना उसके साथ भी यही समस्या है। आपका घर का एसी खराब हो जाओगे ना, आप रिपेयर नहीं करवाओगे क्योंकि आपके पास पैसा का प्रॉब्लम है, इसीलिए रुक जाओगे, गर्मी बर्दाश्त कर लोगे। पंखा खराब हो जाओगे हो जाएगा ना, छत पे बैठ जाओगे बर्दाश्त कर लोगे, गाज के छांव में जाकर के बैठ जाओगे बर्दाश्त कर लोगे। आपके घर का मोटरसाइकिल खराब हो गया ना तो ऑटो से चले जाओगे बर्दाश्त कर लोगे। आपका घड़ी है ना, घड़ी खराब हो गया ना तो घड़ी को बनाना छोड़ दोगे, पैसा का प्रॉब्लम है। लेकिन फोन खराब हो जाएगा ना तो कहां से कर्जा लेकर के बनाओगे ना, वो आप ही जानते हो। क्योंकि फोन एक ऐसा चीज है जिसके बिना हम ना रात का नींद होगा ना सुबह का आंख खुलेगा। बिना फोन का कुछ नहीं हो सकता है, बिना फोन का एक कदम नहीं हम आगे चल सकते हैं। फोन आज के टाइम के जरूरत क्या, मतलब खाना सुबह से शाम तक नहीं देंगे ना, फोन आपके पास होगा ना आपका भूख कहां चल जाएगा वो आप ही जानते हैं। मतलब घुमा फिरा के बोलो तो फोन इतना कंपल्सरी हो चुका है कि लोगों का खराब होगा तो सर्विस करवाएगा ही करवाएगा। 2 घंटे में नहीं सर्विस होगा तो जाके नया फोन खरीदेगा, लेकिन बिना फोन का नहीं रह सकता है। इसलिए दोस्तों इसका बिजनेस कहीं भी करो ना, गांव में करो, शहर में करो, छोटा करो, बड़ा करो, आपका रोजगार बहुत ही बेहतरीन चलेगा, आपका बिजनेस अच्छा चलता है। इस फील्ड का बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करता है, इस फील्ड से लोग जल्दी जुड़ते हैं क्योंकि यह उसका सुबह शाम का जरूरत का चीज है। एक दिन खाना नहीं खाएगा चलेगा, मोबाइलवा में रिचार्ज होना चाहिए, इंटरनेट चलना चाहिए, फेसबुक चलना चाहिए, रील्स चलना चाहिए, उसका टाइम पास हो जाएगा। लेकिन मोबाइल चाहिए, भूखा है पेट में भूख है चलेगा, लेकिन फोन भूखा नहीं होना चाहिए, फोन का रिचार्ज कंप्लीट होना चाहिए। तो दोस्तों मोबाइल बिजनेस उस चीजों का करो ना जिसका नीड बहुत ज्यादा हो, और वही है मोबाइल में। मोबाइल का बिजनेस जो भी जो मोबाइल बेच रहे हैं उसका बिजनेस बंद नहीं होने वाला है, जो मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं उसका बिजनेस नहीं बंद होने वाला है। क्योंकि हाँ मोबाइल अपग्रेड हो रहा है और अच्छा अच्छा मोबाइल आ रहा है, उतना और सर्विस का चार्ज बढ़ रहा है, सर्विस जो कर रहे हैं उनका और बेनिफिट बढ़ा रहा है।
जितना अपग्रेड करती जाएगी फोन उतना सर्विस का रेट बढ़ता है। तो दोस्तों मोबाइल्स रिपेयरिंग का बच्चे हमारे पास इसलिए ज्यादा होते हैं, देहात से भी आते हैं, शहर से भी आते हैं, सभी जगह के बच्चे होते हैं, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, पूरे झारखंड, सभी जगह से बच्चे हमारे पास आकर के ट्रेनिंग लेते हैं। हम सभी बच्चे को रूम हॉस्टल फैसिलिटी देते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेनिंग के साथ एक्सपीरियंस करवा करके भेजते हैं। हमने लैब बहुत बड़ा बना के रखा है जिसके कारण बच्चे लोगों को ट्रेनिंग प्रॉपर मिल पाता है और अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करके जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपने हमारे इस वीडियो को देखा और आपको कुछ और जानकारी चाहिए, इस वीडियो में हम नहीं कवर कर पाए तो उसको आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका वीडियो नेक्स्ट जरूर डालेंगे। दोस्तों हमें भी समय नहीं मिलता है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको कुछ कर गुजरने के लिए हम रात को 10 बजे वीडियो बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए कोशिश करते हैं कि कितना ही टाइम, कितने कीमती समय है फिर भी वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं। अभी दोस्तों रात का 9 बज रहा है, रात का 9 बज रहा है और हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप मोटिवेट हो और कुछ करो। मोबाइल रिपेयरिंग मत करो, कुछ और करो लेकिन करो, क्योंकि दोस्तों आपको अपना खुद का स्टार्टअप चालू करना है। आज के टाइम में नौकरी पे भरोसा नहीं करना है और नौकरी से आप जिंदगी भी नहीं जी पाओगे। अब के टाइम में इतना खर्च बढ़ गया है कि नौकरी से घर नहीं चलने वाला है। आपके पास एक्सटर्नल पैसा होना चाहिए, आपके पास एक्सटर्नल ऐसा बिजनेस करो कि बहुत पैसा है। और बिजनेस एक ऐसा चीज है दोस्तों, जब आपका दिमाग खुलना चालू हो जाएगा ना कि हमें बिजनेस में और क्या बढ़ाना और क्या बढ़ाना, तो अपने आप अपडेट होते रहोगे, अपने आप बिजनेस को बढ़ाते चले जाओगे, पता ही नहीं चलेगा आप कैसे 0 से 100 तक पहुंच गए। लेकिन शुरू तो करो मेरे भाई, जब तक आप शुरू नहीं करोगे तब तक आप एक आगे कैसे बढ़ोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना ठोकर है, आपको कैसे पता चलेगा कि बिजनेस आखिर किया कैसे जाता है, आखिर लोग फेल होता है तो क्यों फेल होता है, आखिर लोग पास होता है तो क्यों पास होता है। इसलिए दोस्तों घुमा फिरा के हम एक ही चीज बोलना चाहेंगे, अपने आप में कुछ हैंड स्किल नॉलेज लीजिए, मोबाइल्स रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिशियन रिपेयरिंग, जो आपको अच्छा लगे उसका आप ट्रेनिंग करो और अपना शॉप चालू करो, अपना खुद का शॉप चालू करो। दोस्त नौकर मत बनो, छोटा मालिक रहोगे ना, लेकिन मालिक का स्माइल अलग होता है और नौकर का स्माइल अलग होता है। नौकर का इज्जत नौकर जैसा होता है, मालिक का इज्जत मालिक जैसा होता है। तो दोस्तों आपने हमारे इस वीडियो को देखे और बहुत ही प्यार आशीर्वाद हमें दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और हमारा इसी प्रकार का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों और जरूर लाइक करें। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।